दोस्तों, इस समय फिर एक मुझे कॉल आया ये हमारे घर के पास से, जहाँ पे एक लोगों ने बताया कि एक छोटे सांप को देखा है। और एक यहाँ पे एक सोसाइटी है छोटी सी, तो उसके पानी के जो एक छोटी सी टंकी है, टंकी के ढक्कन के नीचे देखा है। किसने देखा था सांप को? तो आपको क्या मतलब, क्या क्या लगता है, कैसा था, बड़ा छोटा? छोटा ही दिखा, लेकिन डर लगा, पहले आपको फोन किया ना। हाँ, जाहिर है, तो सांप है और उसका तो डर बना रहता। तो आप देख सकते हैं जो पानी की टंकी है, इसके नीचे इन्होंने देखा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि सांप कौन सा है, और उसके बाद आपको इसका डिटेल देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सामना हुआ है ये वुल्फ स्नेक से हुआ है, इसको हम लोग महाराष्ट्र में कवड़े सांप के नाम से जानते हैं। और ये काफी बड़ा साइज का है, ये पूरा तैयार है अभी, लेकिन इसको काटने की बहुत आदत है, जिस तरह मैंने आपको हर बार वीडियो में बताया। आप देख सकते हो दीवार पर चढ़ने में माहिर और छिपकली खाने का एकदम शौकीन, इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में लिजर्ड स्नेक के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में कवड़े के नाम से इसको जानते हैं। और ये दीवार पर किसी तरह कितनी आसानी से चढ़ता है, ये देखिए, चाहे प्लेन दीवार होगी तभी भी आराम से चढ़ेगा। आपको पहले दिखाता हूँ, फिर इसको हम लोग पकड़ेंगे। और इसको काटता काफी जोर से है, बस इसको आपको समझना है। हाँ, बॉटल आ सकता क्या नक्त पर मैं ऐसे डायरेक्ट आ गई। काटता बहुत है इसका, लबड़ा वही है। और ये क्या करता है, ऐसा पकड़ने के बाद एक लैटरिंग कर देता है। हाँ, क्या मतलब उसके अंदर कैसा, वो बहुत क्लीन दिया आता, स्मेल आता है, बेकार हाथों की लेगा। ये देखो, टॉयलेट भी कर देता है और सब कर देता है। और इसके माँ बाप इधर रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता, इसके माँ बाप नहीं रहते इसकी। इनका कैसा, एक बार अंडे दे दिए तो काम खत्म, तैयार हो गया। बच्चे उसमें निकले मरे, उनको कुछ देना देना नहीं होता इससे। ये जो है ये सांप के बच्चा नहीं, ये पूरा तैयार है, पूरा तैयार सांप है। अच्छा, अभी इसकी उम्र कम से कम, इसकी उम्र रही 3 साल। हाँ, 3 साल मतलब ये पूरा, जैसे आपने भाषा में हम लोग 21 साल का बोलते हैं ना, ऐसे ये पूरा वो जवान है। दोस्तों, फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हम लोग वुल्फ स्नेक के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है लीजर स्नेक। छिपकली खाने का काफ़ी शौकीन, दीवार पर चढ़ने में माहिर, लेकिन इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होता। और हिंदी में इसको घर चित्ती और साखड़ के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में इसको कवड़ा सांप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिना जहर वाला, लेकिन काटता काफ़ी तेज़ है, और इसके दांत काफ़ी बारीक सुई की तरह जो है चुभते हैं, बार बार ये काटता है, लेकिन इसमें जहर नहीं होता। और काफ़ी लोग इसको कॉमन करेट समझते हैं, करेज सांप समझते हैं। तो आपको मैं स्क्रीन के साइड में दिखाता हूँ कि करेज सांप और इसमें काफ़ी फ़र्क है। करेज सांप के आप चेहरे को देखिए, उसका जो चेहरा होता है वो गोल आकार में होता है, और वुल्फ स्नेक का जो चेहरा होता है ये काफ़ी त्रिकोण आकार में होता है। वुल्फ स्नेक का जो कलर होता है ये ब्राउन कलर का होता है, चॉकलेटी कलर इसका होता है, और सफ़ेद कलर की इसके ऊपर धारियाँ बनी होती है। करेज सांप काले कलर का होता है और उसके ऊपर सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। लेकिन करेज सांप का जो चेहरा है वो उसका चेहरा हमारा जो पूरा अंगूठा है या अंगूठे से भी उसका मोटा चेहरा होता है। और वुल्फ स्नेक जो होता है ये जब कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बुजुर्ग हो जाए, ये इसका जो चेहरा होता है ये हमारे अंगूठे के जो नाखून है ये नाखून से ज़्यादा बड़ा इसका चेहरा नहीं होता। दूसरी बात, इसके चेहरे से सफ़ेद कलर की लाइन शुरू हो जाती है गर्दन के पास, करेज के गर्दन के पास ऐसा सफ़ेद लाइन शुरू नहीं होती। तो काफ़ी दोनों में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी समय लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड होकर इसको मारने की कोशिश कर देते हैं।